हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ आज जलेबी बनाने। और ये मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, जो इस ये जो चम्मच है बड़ा है, इसी से 4 चम्मच मैंने मैदा लिया है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो मार्केट तो सारी बंद है, और मेरी डॉटर ने बोला कि मम्मा जलेबी बनाओ, तो मैंने सोचा चलो घर पर ट्राई करते हैं। ये 1/2 चम्मच मैंने चावल का आटा डाला है क्रिस्पी होने के लिए। आप चाहे तो डालें, चाहे तो ना डालें। उसके बाद ये फूड कलर, तो फूड कलर मेरे पास ऑरेंज था, मैंने ऑरेंज डाला। आपके पास रेड हो तो रेड डाल दीजिए, या फिर अगर ना हो तो आप हल्दी भी डाल सकती हैं, क्योंकि इस समय कुछ मिल नहीं रहा है बाहर, तो उसकी जगह आप हल्दी भी डाल सकती हैं, उससे भी कलर अच्छा आ जाएगा। और उसके बाद इसमें मैंने दही डाला है। तो ये चम्मच जो है मेरे पास, ये थोड़ा सा बड़ा चम्मच मैंने लिया था, तो इसी चम्मच से मैंने 2 चम्मच के करीब दही इसमें लिया है। ये देखिए, इसी चम्मच से, मतलब ये पूरा भर के 2 चम्मच समझ लीजिए मैंने दही लिया है। तो उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको, इस बैटर को बना लूँगी। तो पहले तो मैंने इसको ऐसे ही दही में पानी डालने जा रही थी, मुझे याद आया कि पहले दही को मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं। तो मैंने दही, मैदा और जो चावल का आटा डाला था, उन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। और सच में बहुत ही टेस्टी जलेबी मेरी बनी थी। तो उसके बाद ये देखिए, मैं पानी डाल रही हूँ, तो पानी भी थोड़ा थोड़ा ही डालना है, क्योंकि एकदम से डाल देंगे तो फिर अगर बहुत ज़्यादा गीला हो गया तो जलेबी बनाते नहीं बनेंगी। तो इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा पानी, अगर आपके पास मेजरमेंट वाला कप है तो 1 कप पानी उसके हिसाब से लेना है आपको। और मैं तो ऐसे अंदाज से डाल रही हूँ, लेकिन जो कटोरी मैंने ली थी मेजरमेंट के लिए, उस कटोरी के इतना ही पानी मैंने डाला होगा इसमें। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और बैटर को बनाते जाना है, ताकि बहुत ज़्यादा ये पतला ना होने पाए। क्योंकि ना बहुत गाढ़ा बैटर हमें चाहिए, ना ही बहुत पतला, ऐसा हो कि जो आसानी से, जो चीज़ जिससे हम बनाएं उससे आसानी से निकल जाए। तो मैंने तो पॉलिथीन से बनाई थी, आप चाहें तो सॉस वाली बॉटल से ही बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये भी थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत ज़रा सा मैं पानी इसमें और डालूँगी। और अब ये बैटर हमारा बिल्कुल सही बना है, जैसा कि हमें चाहिए था। और आप इसको रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रखिए, उसके बाद आप बस जलेबी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और जो बेकिंग पाउडर है वो बनाते समय पड़ेगा, क्योंकि पहले से उसको डाल देंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा तेल पिएंगी हमारी जो जलेबियाँ हैं। तो ये देखिए, लेकिन मेरा कम से कम 1/2 घंटे रेस्ट इसलिए हो गया, क्योंकि मैं बाकी काम करने लगी घर के, तो कम से कम ये 1/2 घंटे रखा रहा है। बाकी 10 से 15 मिनट ही सही है। और अगर आप तुरंत बना रही है तो जितनी देर में आपकी चाशनी बनेगी उतनी देर में बैटर का हो जाएगा रेस्ट जो होता है। और ये मैंने 1.5 कटोरी ही चीनी ली है, उसी कटोरी से मैंने मेजरमेंट किया है, तो 1.5 कटोरी मैंने चीनी ली है। और 1 कटोरी मैं पानी डालूँगी, 1.5 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी। और चाशनी हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी इसकी नहीं चाहिए होगी, क्योंकि बहुत गाढ़ी हो जाएगी तो फिर उसमें जलेबियाँ जो हैं अच्छे से रस नहीं जा पाएगा जलेबियों में। तो उसकी वजह से बस मतलब ये चाशनी बस सिर्फ चीनी मेल्ट हो जाए और हल्का सा बस पक जाए, बस उसके बाद आपकी चाशनी बन के रेडी हो गई है। तो अगर आप तुरंत बना रही हैं तो जितनी देर में आपकी चाशनी बनेगी उतनी देर में आपका बैटर भी वो हो जाएगा, तो बस आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और उसके बाद देखिए, मैंने ये 1/4 टीस्पून ये डाला होगा बेकिंग पाउडर, तो इसको डालने के बाद फिर रखना नहीं है, फिर उसके बाद मिक्स करके बस जलेबी बनाना स्टार्ट कर देना है। इसीलिए इसको सबसे लास्ट में मैंने डाला है। अब बस इसको मिक्स करके और फिर जलेबियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर हमारी चाशनी भी बन रही है, तो ये चाशनी में मैंने 1 इलायची डाल दी थी फ्लेवर के लिए। आप चाहे तो, अगर आपके पास केसर के धागे हैं तो वो डाल दीजिए।
और या इलायची डाल दीजिए। उसके बाद मैंने 5 से 6 बूंद लेमन की डाली इसमें, वो क्योंकि जो चीनी में जो गंदगी होती है उससे बिल्कुल ये चाशनी एकदम साफ़ हो जाती है लेमन डालने से, तो बहुत थोड़ा सा ही मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि बहुत थोड़ी चाशनी थी, ज़्यादा नहीं थी। अगर ज़्यादा चाशनी है तो आप आधा नींबू का रस डाल सकती हैं। और ये देखिए इस तरीके से मैंने ये पॉलिथीन ले ली है। अगर आपके पास आपके घर में दूध आता है तो दूध की जो थैली होती है उससे भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन वो नहीं थी मेरे पास, तो मैंने एक ऐसी नॉर्मल सी पॉलिथीन लेके और उसका कोन बना लिया था और ऐसे ग्लास में रख के उसमें बैटर डाल लिया, क्योंकि अगर ऐसे बैटर डालेंगे तो डालते नहीं बनेगा। तो इस तरीके से छोटे किसी ग्लास में रख के और उसमें आप बैटर डालिए। फिर उसके बाद नीचे मैंने थोड़ा सा कट लगाया, बहुत छोटा सा ही कट लगाएंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास जैसा मैंने ये पैन लिया, अगर ऐसा हो ऐसे में जलेबी बनाए तो बहुत अच्छी बनेगी। मेरी कढ़ाई थोड़ी गहरी थी, थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई, लेकिन हाँ बन गई थी। तो बस जलेबियाँ गोल गोल आप घुमाते जाइए और जो लास्ट का जो पॉइंट होता है उसको ऊपर कर दीजिए, बस आपकी जलेबी बन गई। कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है, फिर एक दो तो ख़राब होती क्योंकि हम लोगों का हाथ इतना तो परफेक्ट है नहीं, या हम लोग रोज़ बनाते भी नहीं हैं। इस समय तो बस लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ ना कुछ बच्चे डिमांड करते रहते हैं तो बन जाता है। और ये देखिए उधर थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने इधर रख लिया, चाशनी भी हमारी बन चुकी थी। तो बस ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अगर उस तरीके के बर्तन में, वैसी कढ़ाई थी लेकिन मैंने ये वाली चढ़ा दी तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होती। तो बस ये देखिए गोल गोल घुमा के और लास्ट वाला पॉइंट ऊपर कर देना है बस। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो हलवाई के पास जो बर्तन होता है जिसमें वो लोग जलेबी बनाते हैं वो भी बिल्कुल फैली हुई कढ़ाई रहती है, इस चीज़ को मैंने ध्यान नहीं दिया तो थोड़ी सी मुझे हुई प्रॉब्लम, बट कोई नहीं, बन गई थी अच्छे से। क्योंकि बहुत ज़्यादा तो बनानी नहीं थी, थोड़ा सा ही बैटर मैंने बनाया था कि पता नहीं अच्छी बने या ना बने, लेकिन हाँ अच्छी बन गई थी। ये वाली जो थी, जो ये फर्स्ट वाला, अभी ये फर्स्ट ही चल रहा है तो ये वाली थोड़ी सी लुजलुजी सी हो गई थी क्योंकि ये शायद पक नहीं पाई मेरे ख्याल से। तो जो दोबारा मैंने बनाई उनको मैंने काफ़ी खरी कर दी, तो वो कलर तो डार्क हो गया था लेकिन वो बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी बनी थी, खाने में बहुत ही टेस्टी थी। तो ये वाली जब मैंने उसमें चाशनी में डाला तब बाद में देखा तो थोड़ी मुलायम मुझे लगी, चाशनी मेरी ठंडी हो गई थी तो हल्की सी मैंने उसको गुनगुनी कर दी चाशनी को। उसके बाद मैं ये जलेबियाँ उसमें डाल दूँगी और 2 से 3 मिनट बाद मैंने निकाल भी लिया था तो अच्छे से इनमें रसा चला गया था, मतलब जो चाशनी है वो अच्छे से इसमें हो गई थी जलेबी में, दिक्कत नहीं हुई बिल्कुल भी और बिल्कुल परफेक्ट मीठी बनी थी, ना बहुत मीठी ना बहुत ही फीकी, एकदम परफेक्ट थी। और ये देखिए ये इस वजह से ही मैं बोल रही हूँ, वैसी वाली कढ़ाई में थोड़ी मुझे इसमें दिक्कत हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जा रहा था तो हाथ में गर्म गर्म लग रहा था, बनाते नहीं बन रहा था, तो मुझे लगा वैसे वाले बर्तन में दिक्कत ना होती पैन में, लेकिन चलिए कोई नहीं, बन गई थी। फिर घर ही में खाना था, किसी को देना तो था नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट सेफ होना चाहिए, जैसे ही बनी बट टेस्टी बनी थी। तो बस इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ जलेबियाँ। और उसके बाद ये वाली जो मैंने निकाली तो ये मुझे थोड़ी सी लूज़ उसमें लगी, काफ़ी मुलायम सी हो गई तो थोड़ा सा मुझे डर भी लगा कि ख़राब हो जाएंगी क्या, लेकिन उसके बाद मैंने काफ़ी खरी कर दी तो वो बहुत टेस्टी बनी थी। तो इसमें ये दो तो सही थी लेकिन वो वाली बहुत मुलायम हो गई थी, ये साइड वाली, ये जो दो मैं दिखा रही हूँ वो मुलायम हो गई थी। तो ये देखिए जलेबियाँ हमारे बन की रेडी हो गई और तो कलर थोड़ा डार्क हो गया है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगी थी। और ये दही के साथ जलेबी मैंने निकाल दी हैं तो अभी मैं आपको एक जलेबी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी सी है, खाने में बहुत टेस्टी लगी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।